वाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे टीएलसी 2020 की फर्स्ट एंड लास्ट प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप से WHG। वाइज कल होने वाला है WWE TLC 2020। TLC 2020 सुबह आपको सोनी नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इस बारी का दोस्तों जो TLC होने वाला है उसके अंदर कुल मिलाकर 6 बड़े मैचेस कन्फर्म हुए हैं और बाकी के कुछ एक मैचेस हमें बाद में कन्फर्म होते हुए नजर आ सकते हैं जो कि किक ऑफ में रखे जाएंगे। सबसे पहला मैच जो कि दोस्तों आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों नाया जैक्स एंड शेना बेजलर वर्सेस हमारी आस्का एंड एक अननोन रेसलर के मध्य। तो अननोन रेसलर यानी कि दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन वो महिला रेसलर होगी जो कि आस्का के साथ टैग करेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों शार्लेट फ्लेयर हो सकती है। वहीं बात की जाए मैच की तो मैच के अंदर मुझे नहीं लगता कि गाइज नाया और शेना बेजलर हारने वाली है और यहां दोस्तों मैं नाया एंड शेना को पिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी ह्यूज है और ये होने जा रहा है दोस्तों स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप के लिए कार्मेला और साशा बैंक्स की फाइट। तो आप जानते हैं बीते 2 हफ्तों में कार्मेला ने साशा बैंक्स के ऊपर शैंपेन की बोतल फोड़ी है और उससे हमला किया है। ऐसे में दोस्तों ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गाइस बात की जाए इस मैच में कौन जीतेगा तो यहां दोस्तों मैं साशा बैंक्स को पिक करने वाला हूं जिसके पीछे का एक सॉलिड रीजन है और वो रीजन ये है कि साशा बैंक्स का जो टाइटल रेन है इस वक्त तो काफी स्मूथ चला हुआ है। साशा बैंक्स के मुकाबले दोस्तों कार्मेला को देखा जाए तो कार्मेला हाल ही में अपना नया स्वरूप लेकर आई है। ऐसे में अगर उन्हें टाइटल दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रिस्क होगा और वैसे भी दोस्तों ये साल का आखिरी PPV और मुझे नहीं लगता कि यहाँ वुमेन्स चैंपियनशिप चेंज होगी और यहाँ मैं साशा को पिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो दोस्तों कुछ ऐसा मैच है जो कि काफ़ी जल्दबाजी में बनाया गया लेकिन इसे बनाने के पीछे एक बड़ा रीज़न है और ये है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का हर्ट बिजनेस वर्सेस न्यू डे। तो बीते 3-4 हफ्तों से जब भी हमने देखा कि हर्ट बिजनेस न्यू डे को फेस करती आई वहां कहीं ना कहीं दोस्तों हर्ट बिजनेस वालों के पास एज रहा और जो हमारी द न्यू डे वाली है उनके सामने थोड़ी सी फीकी नजर आई। यहां दोस्तों मैच की बात करूं तो गाइज हर्ट बिजनेस जो है वो ऑड्स में अभी काफी ज्यादा ऊपर चली हुई है। ऐसे में अगर द न्यू डे का नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा और दोस्तों यहां मैं पिक करूंगा हर्ट बिजनेस वालों को। अब इतना बड़ा PPV है यहां टाइटल चेंज भी तो होना चाहिए और यहां दोस्तों आपको हर्ट बिजनेस वाले ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब सुपर डुपर 3 मैचेस की तो गाइस सुपर डुपर 3 मैचेस जो कि दोस्तों आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं इस बारी की TLC का वह सबसे पहले ब्रे वाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन जो कि होने वाला एक फायर फ्लाई इन्फर्नो मैच। जी आपने बिल्कुल सही सुना कि कुछ इस तरीके का मैच होगा कि आपको फायर फ्लाई फन हाउस के इर्द गिर्द आग देखने को मिलेगी। अंदर ये दोनों लड़ेंगे। अभी तक दोस्तों स्टिपुलेशन ढंग से क्लियर नहीं हो पाई है लेकिन जो भी है दोस्तों ये मैच आग के अंदर होने वाला है। जहां दोस्तों इससे पहले हमने मंडे नाइट रॉ में देखा था कि किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ब्रे वाइट को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रे वाइट फीड का स्वरूप लेकर बाहर निकलते हैं और उन्हें चोकआउट कर डालते हैं। तो ऐसे में W वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे एक गिमिक मैच बनाया जाए। अब गाइस बात की जाए इस मैच के विजेता की तो दोनों ही काफी तगड़े रेसलर है लेकिन चूंकि यहाँ फीड लड़ रहा है और फीड दोस्तों बेहद कम मैचेस हारता है यहाँ मैं फीड को पिक करने वाला हूँ और फीड इसमें विजय रहेंगे। अब गाइस बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा तो गाइस इसके बाद जो मैच होगा वो होगा अभी दोस्तों क्रिसमस होगा और क्रिसमस के बाद हमें हॉलीडेज पर जाना होगा क्योंकि न्यू ईयर के साथ होते दोस्तों बहुत से लोग हॉलीडेज पे जाते हैं और न्यू ईयर के लिए दोस्तों सेलिब्रेशन में भी पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कैसे कमाया जाए नाम है OneXBet दोस्तों एक तरीके की पैनी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैचेस चालू है और साथ ही साथ दोस्तों सॉकर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो इसके अंदर आप किसी भी खेल के ऊपर आसानी से सट्टा लगा सकते हैं जिसका आपको भली भांति ज्ञान हो। इसके अंदर दोस्तों विड्रॉल का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप पैसे को अपने पेटीएम साथ ही साथ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और स्पेशली दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे पास जो कोड है वो आपको 100 USD देता है जब आप डिपॉजिट करते हैं जो कि दोस्तों मैंने पिंड करके दे रखा है। तो अभी के अभी लाभ उठाइए जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस इससे अगला मैच जो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जो कि सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रहेगा वो है ड्रू मैकइंटायर
वर्सेस एजे स्टाइल्स जो कि एक टीएलसी मैच होगा। टीएलसी मैच माना दोस्तों, इसके अंदर आपको टाइटल लैडर के ऊपर लटका हुआ देखने को मिलेगा। मैच की बात करूं इसके अंदर दोस्तों, आपको चेयर लैडर और जो टेबल्स होते हैं खासकर उनका भरपूर यूज होते हुए नजर आएगा। एजे स्टाइल्स जब से नंबर वन कंटेंडर बने तब से दोस्तों उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को स्क्रू ही किया है, और इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है कि गाइज उन्हें कहीं ना कहीं बैकअप है मिस एन मॉर्सन और अपने बॉडीगार्ड यानी कि ओमान का। अब गाइज इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइज ड्रू मैकइंटायर के सामने एजे स्टाइल्स काफी बड़ी चुनौती तो रखते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर साल के अंत में अपना टाइटल लूज करे कहीं से भी सही नहीं लगता। और यहां दोस्तों मैं पिक करने वाला हूं ड्रू मैकइंटायर को, और ड्रू मैकइंटायर इसमें बेल्ट निकाल कर विजय रहने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि टीएलसी 2020 का रहने वाला है वो दोस्तों द ट्राइबल चीफ वर्सेस केविन ओवंस। तो ये भी दोस्तों एक टीएलसी मैच होगा, माना इसके अंदर भी आपको टाइटल ऊपर लटका हुआ नजर आएगा, और अंदर दोस्तों आपको केविन ओवंस भिड़ते हुए नजर आएंगे रोमन रेंस से। तो बीती स्मैकडाउन में हमने देखा है कि किस तरीके से यानी कि किस तरीके से जे उसो और रोमन रेंस ने पीटा है केविन ओवंस को। केविन ओवंस कहीं ना कहीं इस मैच में 100% नहीं होने वाले हैं। ये हो सकता है कि उनके शरीर पर पट्टियां लगी हो, ये चीज भी हो सकती हो कि काफी ज्यादा थके वहां हमें नजर आए। यहां दोस्तों जे उसो जो है वो आसानी से इंटरफेयर कर सकते हैं, चूंकि जो टीएलसी मैच होता है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है, और इसके अंदर दोस्तों जे उसो का प्रभाव आपको साफ देखने को मिलेगा। केविन ओवंस के सामने काफी बड़ी मुश्किल है, उनके बैकअप में कोई भी नहीं है। और गाइस बात की जाए इस मैच के विनर की तो 101% दोस्तों यहां ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस विजय रहेंगे, और वो बेल्ट दोस्तों लैडर से निकालेंगे। तो गाइस टीएलसी 2020 की ये रही प्रेडिक्शन। अब बात की जाए दोस्तों टीएलसी 2020 की अनहोनियों की, तो गाइस टीएलसी 2020 अपने आप में काफी बड़ी बड़ी अनहोनियां ला सकता है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मैच में यानी कि नाया एंड शेना वाले मैच में अगर दोस्तों किसी तरीके से डब्ल्यू वालों ने इस मैच को अजीब सा बनाया तो ये चीज भी हो सकती है कि इस मैच के अंदर मैंडी रोज एंड जो उनकी मित्र है यानी कि दोस्तों हमारी डेना ब्रुक वो आ जाए और रिप्लेस कर दे आस्का को पूरे तरीके से, जिसके बाद दोस्तों आस्का बिल्कुल फ्री हो जाए और आस्का का एक अलग से मैच बन जाए। वहीं दोस्तों बात की जाए बाकी की शॉकिंग थिंग्स की, तो गाइस आपको इस पीपीवी के अंदर और भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड है कि वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, तो अगर ब्रॉक का रिटर्न हो जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। उनका दोस्तों एक एंगल अभी तक ड्रू मैकइंटायर के साथ अधूरा है, वो है दोस्तों रेसलमेनिया वाला। रेसलमेनिया में दोस्तों जो स्क्रू किए ड्रू उन्हें, उनका बदला उन्हें लेना है, तो अगर दोस्तों यहां उनका रिटर्न हो जाता है और वो मैच के बाद ड्रू पर हमला करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है इस बार की टीएलसी 2020 में। बहुत सारी रिटर्न्स दोस्तों एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और बहुत सारा शौक और बहुत सारी ब्रूटैलिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। वीडियो आज की इतनी सी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। साथ ही साथ अब आप हमें टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वेल थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।